हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम इस सीरीज में इंडियन पॉलिटी को क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करते चल रहे हैं। ये है हमारा पार्ट 28। इसमें जो टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं वो है मिसलेनियस क्वेश्चन से रिलेटेड। इसी के साथ हमारा ये इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, और कंसेप्ट को भी हम क्लियर साथ में करते हुए चले हैं। और इसके बाद हम दो तीन लेक्चर और देख लेंगे जिसमें कि हम कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का मैं एक लेक्चर आपको तैयार कर दूंगा। उसमें हम इम्पोर्टेंट सिर्फ आर्टिकल्स देखेंगे और एक लेक्चर के जरिए हम इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में जान लेंगे। और जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स है, यदि उसमें भी प्रॉब्लम होती है आपको याद करने में कि कौन सा स्टेट का कब फॉर्मेशन हुआ है, तो उसको भी हम एक ट्रिक के जरिए देख लेंगे। तो आप सभी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें और लेक्चर के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर को सही टिक किया है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन फर्स्ट है मैच द लिस्ट, इसमें प्रोविजंस दिया है और सेकेंड लिस्ट में ईयर ऑफ पासिंग है। तो आपको मिलान करना है और सूचियों के लिए नीचे दिए कोट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो लिस्ट वन में दिया गया है अबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जमींदारी सिस्टम, प्राइवेसी, पर्स और प्रॉपर्टी राइट्स, ये प्रोविजंस दिए गए हैं। और उनके साथ में लिस्ट टू में दिए गए हैं उनके ईयर। तो आपको इसके साथ फॉलोइंग करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। हम अबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात करें तो अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 17 में है और ये आया था 1949 में। उसके बाद आता है जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम जो पहला संशोधन हुआ था 1951 में, इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं जो संपत्ति का अधिकार था और उससे संबंधित जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संबंधित कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का इसमें प्रयास किया गया था। और साथ में ही भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई थी। और इसके साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं सूची यानी कि 9th शेड्यूल को इसमें ऐड किया गया था, जिसमें उल्लेखित कानून को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है, इनकी यानी कि इनको इनके ऊपर पेश नहीं किया जा सकता है। तो जो जमींदारी सिस्टम था वो 1951 में खत्म हुआ। उसके बाद आता है प्रिवी पर्स का उन्मूलन, ये 1971 में आया था। तो ये प्रिवी पर्स होता क्या है? तो ये 1970 वह साल जब पहली बार आजाद हिंदुस्तान में पूर्व राजा महाराजाओं को मिलने वाले वित्तीय लाभ, जिन्हें अंग्रेजी में प्रिवी पर्सेस कहते हैं, पर संसद में बहस हुई तथा अंततः 1971 में संविधान में संशोधन करके इसे बंद करवा दिया गया था। और ये इस टाइम पर हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। तो ये जो प्रिवी पर्स है आप समझ गए होंगे क्या है, और ये आया था 1971 में। उसके बाद आता है अबॉल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट यानी इसकी संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन। तो ये अबॉल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट आया था 1976 में, और 1976 में ही 42nd अमेंडमेंट हुआ था जो कि एक्ट बनकर सामने आया था, और इसी को हमने बोला था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ए बी सी डी फॉलो करेगा 1, 2, 3, 4 को, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुक्स के बारे में बताया है और उनके ऑथर्स ये हैं सेकंड लिस्ट में। तो ये बुक्स है माई डेज, माई इंडिया, माई लाइफ एंड टाइम्स, माई ट्रुथ। और ये किस किसने लिखी है, इनके सामने ये नाम दिए गए हैं। तो माई डेज लिखी है आर के नारायण ने, माय इंडिया एस निहाल सिंह ने, माय लाइफ एंड टाइम्स ये इम्पोर्टेंट है वी वी गिरीजी ने लिखी है, और माय ट्रुथ ये लिखी है इंदिरा गांधी ने। तो डी ए बी सी डी और फॉलो करेगा 1, 2, 3, 4 को, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन लाइन लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि मैकमोहन लाइन निम्नलिखित में से किस देश के बीच स्थित है। तो ये सभी को पता होना चाहिए, इंडिया और चाइना के बीच ये मैकमोहन लाइन है, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इंडिया और चाइना के बीच है मैकमोहन लाइन। साथ ही में आपको याद रखना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ लाइन, और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच है बुरंद लाइन। तो ये तीनों बॉर्डर भी आपको साथ साथ में याद रखना है, तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, एक तरफ है
लिस्ट वन में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है, उसके साथ पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, यानी कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है किसके अनुरूप, और साथ ही में डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर्स और प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, और इनका आपको मैच करना है लिस्ट सेकंड के साथ। तो इसके अनुसार यदि हम सबसे पहले बात करें डी ऑप्शन की, यानी कि प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, और इसमें जो हमने बात की थी आर्टिकल 23 के अनुरूप मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का इसमें निषेध माना गया था, यानी कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया था और इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध था। पर इसमें एक नोट डालकर रखा गया था कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो डी किसको फॉलो करेगा, डी करेगा सेकंड को फॉलो, जो कि आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर्स। तो इसके जरिए हम जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर्स है और जो पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, यानी कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, इन दोनों के बारे में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अनेक मामलों में क्या हुआ कि संविधान के उपबंधों के विधान बनाने और उसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति न्यायिक समीक्षा के लिए आई, और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट केसेस थे तो जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस आया सामने, और ये आया था 1973 में आया, और इसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ का प्रसिद्ध निर्णय आया और उसमें संविधान में बदलाव हुआ जो कि कर सकते हैं, और ये 368 आर्टिकल 368 के खंड 4 और 5 में जोड़ा गया, यानी कि टू रिगेन सुपरमेसी, सुपरमेसी बनाए रखने के लिए ऐड किए गए क्लॉज 4 आर्टिकल 368 में ही क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5। परंतु क्या हुआ, एक और केस आया मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संज्ञानी की यूनियन ऑफ इंडिया, और ये केस आया 1980 में, और इसमें कहा गया कि मामले में यह संशोधन रद्द कर दिया गया, जो चेंजेस हुए थे केशवानंद भारती के टाइम पर, ये इसमें चेंजेस इनको बदलाव को नहीं माना गया, यानी कि जो केशवानंद भारती केस के टाइम पर जो चेंजेस हुए थे उसमें जो संविधान में चेंजेस हुए थे उन बदलावों को चेंज करने से मना कर दिया गया। और इन निर्णयों से हमें पता चलेगा कि भारतीय संविधान की सुस्थापित विशेषताएं क्या हैं, कि संविधान ही सर्वोच्च है, यानी कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फ्रॉम द गवर्नमेंट, और साथ में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर कैरेक्टर है इसका, और शक्तियों का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स इसमें सामने आए, साथ साथ में जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और साथ में हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि मौलिक अधिकार और जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके बीच सामंजस्य, ये सब सामने आए। तो जो पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, यानी कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो इसके तहत आता है फोर्थ, यानी कि केशवानंद भारती के टाइम पर ये केस हुआ था, और साथ में जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर्स यानी कि बुनियादी सुविधाओं का सिद्धांत, ये बुनियादी जो है बेसिक फीचर्स है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये आता है मिनर्वा मिल्स के थ्रू। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमारी मौलिक कर्तव्य है, ये चेंजेस हुए थे 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये फॉलो करेगा ए थर्ड को, बी फोर, सी वन एंड डी सेकंड को फॉलो करेगा, तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट आया ये 1955 में आया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, रिजर्वेशन की बात की गई थी वुमेन्स के लिए, जो कि अर्बन एरियाज हैं यानी कि शहरी क्षेत्र हैं उन पर स्थानीय स्तर पर निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण भी किया गया था, और सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 में आया था। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये आया था 1955 में, तो रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, नॉट करेक्ट हो जाएगा ए हिंदू मैरिज एक्ट, ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, यानी कि सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं भारत रत्न है सर्वोच्च नेशनल अवार्ड, यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वोच्च भारत रत्न है,
तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, हाईएस्ट नेशनल अवार्ड भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया विच वाज द फर्स्ट गिवन इन द ईयर एंड टू द पर्सन, यानी कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो इस वर्ष और उस व्यक्ति को दिया गया, यानी कि पहले सबसे पहले किसको दिया गया, तो ये सबसे पहले दिया गया था डॉक्टर राधा कृष्णन को, और ये किस साल दिया गया था, 1954 में ये दिया गया था, तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी कि अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये बुक अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इनके लेखक का नाम आपको याद रखना है, ये है आई के गुजराल, तो ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया, यानी कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये CAGI है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नेशनल कमिश्नर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक, नेशनल कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयुक्त, तो ये तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग पर्सन और उनके रोल बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया के तहत, तो राजेंद्र प्रसाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के चेयरमैन थे, तो ए को सेकंड फॉलो करेगा, टी कृष्णामाचारी और SC मुखर्जी और B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर तो आप सभी जानते हैं ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी को, तो डी को फॉलो करेगा थर्ड, ए को फॉलो करेगा सेकंड, तो इसके हिसाब से जो दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास ए और बी, जो सी और डी हैं ये तो टोटली रॉन्ग हो जाएंगे, तो जो बी है टी कृष्णामाचारी ये हैं वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, और जो SC मुखर्जी हैं वो है मेंबर ये हैं ड्राफ्टिंग कमिटी के, तो ये फॉलो करेगा 2, 4, 1, 3, यानी कि सेकंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी का, हम लगभग पूरा कोर्स कवर कर चुके हैं और उसको उसके साथ हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करते हुए चले हैं, तो हमारा इंडियन पॉलिटी का कोर्स यहाँ पर फिनिश होता है। अब मंडे को हम नेक्स्ट कोर्स के साथ आपसे मिलेंगे, और जो इंडियन पॉलिटी है इसमें कोई भी आपको डाउट रहता तो आप कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं, और इसके लिए इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं आप उसके लिए एक लेक्चर हम तैयार कर देंगे, और जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं उनके लिए एक लेक्चर हम ट्रिक वाइज या जैसे भी होगा उसके लिए एक लेक्चर तैयार कर देंगे, और जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स है यानी कि जो राज्यों का गठन है उसके लिए हम एक अलग से ये 3-4 लेक्चर और हम अलग से तैयार कर देंगे। तो इसी के साथ लेक्चर को हम फिनिश करते हैं, लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।